दोस्तों कैसे आप सभी? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों काफ़ी समय से आप लोग पूछ रहे थे कि सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर और भी कोई अपडेट आया है क्या। वेल दोस्तों कल ही एक छोटा सा अपडेट आया है जिसके बारे में आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप काफ़ी समय से सोच रहे हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेस करने का और इसके अपडेटेड आपको पसंद है या आप भी लेना चाहते हैं इस गाड़ी को और आपको डेली अपडेट चाहिए कि इस व्हीकल में क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा है, कब तक आएगी, क्या रहेगा सब कुछ, तो इस चैनल को एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना। क्योंकि जब जब इस व्हीकल की अपडेट आती है मैं इस चैनल पे वीडियो बना के आपको शो कर देता हूँ कि एक्चुअल में अपडेट क्या है। फिलहाल हम बात करते हैं कि रीसेंट अपडेट क्या आया है और ये अपडेट दिया है सुहास राजकुमार जो कि सीईओ है सिंपल वन इलेक्ट्रिक कंपनी के। तो इन्होंने जो अभी अपडेट दिया है वो ऐसा है कि एक मोटर उन्होंने शोकेस किया है ट्विटर हैंडल पे और ये मोटर शो करके इन्होंने एक चीज अपडेट दी है कि कंपनी अब इस मोटर को काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड बनाने के लिए स्टेप ले चुकी है। ऑलमोस्ट हाफ पाथ ये कवर कर चुकी है, अभी और इसमें काम बचा है। मतलब 2 साल से इन्होंने इस इंजन को, इस मोटर को रिफाइन करने में लगा दिया है। अभी इसमें और 50 अल्ट्रेशंस और होने वाले हैं जिससे ये और ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा साइलेंट हो जाएगी। जैसे दूसरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ज़्यादा शोर होता है मोटर से, तो यहाँ पे कंपनी इस शोर को कम करने के लिए बहुत सारे R&Ds कर रही है। रिसेंटली ये ट्वीट देख के ये समझ में आ रहा है कि 2 साल से ये लोग मोटर पे ही काम करे जा रहे हैं, साथ ही साथ गाड़ी पे भी काम कर रहे हैं लेकिन मोटर पे ज़्यादा फोकस्ड है क्योंकि मोटर ही सब कुछ शो करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे 50 अल्ट्रेशंस बचे हुए जो कि ये अपकमिंग मंथ्स में करने वाले। जैसे कि आप लोगों को पता है कंपनी के सीईओ ने ऑलरेडी बोल दिया है कि जून से ये अपनी गाड़ी की डिलीवरी स्टार्ट करने वाले हैं, अगस्त में मुंबई में डिलीवरी करना स्टार्ट करने वाले हैं, टेस्ट राइड मई में स्टार्ट करने वाले हैं। तो बहुत सारे इनके टारगेट्स हैं जो इनको अचीव करना है ऑन टाइम और इन लोगों को पता है कि ओला जैसा नहीं करेंगे क्योंकि ओला बहुत बदनामी झेल चुका है डिलीवरी डिले, पेमेंट डिले। तो सिंपल वन ने एक लंबा सा गैप ले लिया है कि उस गैप के अंदर सारी चीज़ें ऑन टाइम हो और प्रोडक्ट जो मिले लोगों को वो फाइनल प्रोडक्ट हो। रेदर ओला की तरह की आधी अधूरी गाड़ी दे दी है। अभी बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस कर रहे ओला वाले, लाइक नॉर्मल मोड में चला रहे हैं तो रिवर्स हो रही है, रिवर्स मोड पे चला रहे तो नॉर्मल मोड पे चल रही है, आगे की जगह पीछे जा रही है, पीछे की जगह आगे जा रही है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है ऐसे केस में, तो बहुत सारे फेसेस हो रहे हैं क्योंकि होना भी है वो एक बीटा वर्जन है। मैं पहले दिन से यही चिल्ला रहा हूँ कि बीटा वर्जन में कुछ भी हो सकता है, ये एक टेस्टिंग है, टेस्टिंग सॉफ्टवेयर होता है जो बेसिकली कंपनी यूज़ करती है ना कि कंज्यूमर, और यहाँ पे सिर्फ कंज्यूमर यूज़ कर रहा है, कंपनी तो उसमें टेस्ट कर ही रही है। बट सिंपल वन इसमें पूरा ध्यान रख रहा है। अब देखते हैं कि सिंपल वन कब तक क्या लेकर आता है। मेरे को किसी से कोई गिरा शिकवा नहीं है, बट ये है कि हाँ भाई रेवोल्यूशन का हमें सपोर्ट करना है तो मैं सिंपल वन को भी सपोर्ट करता हूँ और ओला को भी सपोर्ट करता हूँ। बट ओला का कुछ ड्रॉबैक चल रहा है, बट गाड़ी फिर भी वो बहुत अच्छी है। बस यही एक अपडेट था सिंपल वन के तरफ से। और ये जो मोटर है ये साइलेंट के साथ पावरफुल भी होने वाली है, इक्वलेंट टू ओला, क्योंकि इसका जो टॉप स्पीड है वो 105 किलोमीटर पर आवर है। दैट मीन्स इसका मोटर भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। मेन चीज़ तो ये है कि रेंज एक्चुअल में क्या देखने को मिलती है, क्योंकि सारी कहानी रेंज की है और आप लोगों को पता ही है 40-45% जो कॉस्ट होती है गाड़ी की वो सिर्फ बैटरी की होती है। तो बैटरी अगर अच्छी होगी तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा होगा सिंपल वन के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और ऐसी अपडेटेड न्यूज़ आपको ईवी से रिलेटेड चाहिए तो इस चैनल को ज़रूर चेकआउट करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा जिससे आप कोई भी इंफॉर्मेटिव न्यूज़ मिस ना कर जाए। बाय।